हेलो एवरीवन, मैं हूँ अभिलाषा ठाकुर आपके साथ। एंड जैसे कि आपको पता है कि पानीपत का ट्रेलर आ चुका है एंड इस ट्रेलर ने आते ही सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा बस क्रिएट किया हुआ है। इस बस के कारण के पीछे एक्चुअली में दो तीन रीजंस हैं, जिनमें से हम लोग पहले दो रीजंस की बात करते हैं और उसके बाद एक रीज़न की हम लोग एंड में बात करेंगे। एक है रीज़न इसका थीम, जो बाजीराव मस्तानी की तरह कहीं ना कहीं, बिकॉज अगेन टॉक्स अबाउट मराठा साम्राज्य जो बाजीराव मस्तानी में था। बट एक चीज़ जो इसमें बाजीराव मस्तानी से अलग है वो है इसके वॉर सीन्स। बाजीराव मस्तानी में हमें वॉर सीन्स इतने देखने के लिए ना नहीं मिले, ना ही उसमें इतने ज़्यादा VFX इफेक्ट थे। बट इस मूवी में कहीं ना कहीं बाहुबली की तरह बहुत सारे VFX इफेक्ट एंड वॉर सीन्स को इन्वॉल्व किया गया है, जिसके कारण ये हमें उसकी बाहुबली की तरह एक फील देती है कि ओके, दिस इज़ अ मूवी जहाँ पे आप बहुत सारा वॉयलेंस या वॉर सीन एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब आते हैं इसके दूसरे रीज़न के ऊपर, जो है इसका खुद का नाम पानीपत। दिस मूवी इटसेल्फ टॉक्स अबाउट द बैटल ऑफ पानीपत, जो इंडियन हिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है, एट द सेम टाइम मराठा साम्राज्य का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है। तो चलिए आइए करते हैं इसकी स्टार कास्ट के बारे में बात, जिसमें सबसे पहले अर्जुन कपूर जो दिखेंगे इसमें सदाशिव राव के रोल में। सदाशिव राव इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मराठा किंग, एज यू नो, बिकॉज वही सेम थिंग हमारे पास बाजीराव मस्तानी में थी। इट टॉक्स अबाउट अ मराठा रूलर जिसने अपने कल्चर एंड अपने मराठा साम्राज्य के लिए बहुत बड़े बलिदान दिए। हम लोग बोल सकते हैं कि अर्जुन कपूर की ये मूवी कहीं ना कहीं उनके कम बैक की तरह हो सकती है, बिकॉज उन्होंने इसमें बहुत अच्छी एक्टिंग स्किल्स दिखाई है और उनके एक्टिंग स्किल्स कहीं ना कहीं हमें बाजीराव की याद दिला रहे हैं, जो रणवीर सिंह ने पोर्ट्रे किया था बाजीराव मस्तानी में। चलिए आइए अब करते हैं हम लोग बात इस मूवी के सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट की, द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट, दैट इज अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली इज पोर्ट्रेड बाय नन अदर संजय दत्त, द खलनायक ऑफ बॉलीवुड। आई थिंक संजय दत्त ने एक नेगेटिव कैरेक्टर्स को लेके एक अपने अंदर एक मैग्नेट आई थिंक उसी दिन डाल लिया था जब उन्होंने खलनायक मूवी की थी। जब से वो मूवी आई है तब से डायरेक्टर्स और लोगों के अंदर एक क्रेज़ है उन्हें एक नेगेटिव रोल में देखने का। आज तक ऐसा आई थिंक कोई हीरो नहीं आया था हमारी इंडस्ट्री में जिसने एक नेगेटिव कैरेक्टर प्ले करने के बावजूद भी हम उसे एक विलेन नहीं बोलते, हम उसे अभी भी एक हीरो बोलते हैं, एंड दैट इज़ ओनली संजय दत्त। अब बात करते हैं कि ये मूवी कितना ज़्यादा चलते बॉक्स ऑफिस पे कमा सकती है। आई थिंक ओनली बिकॉज वी हैव संजय दत्त, द खलनायक ऑफ बॉलीवुड इन दिस मूवी कैन डू प्रेटी मच गुड बिकॉज ही हैज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग फैन बेस। उनका फैन बेस सारा का सारा उनकी नेगेटिव कैरेक्टर्स के कारण ही है कहीं ना कहीं। तो ये मूवी कहीं ना कहीं बहुत अच्छी इनकम कर सकती है बॉक्स ऑफिस पे, एट द सेम टाइम बिकॉज ऑफ संजय दत्त आई थिंक ये कहीं ना कहीं बहुत से अवार्ड्स भी जीत सकती है। तो आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।